नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए, उन बच्चों के लिए जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की तैयारी लगातार करते आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये खुशखबरी इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से आई है। देखो बच्चों, मैं बस अपने शब्दों में एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मैं कभी भी कोई चीज़ अनर्गल नहीं लेके आता हूँ। पहले भी बोला था मैंने, आरओ यारो की जब वीडियो बनाई भी थी तब भी मैं ये बात बोला था कि अगर मैं आपके सामने आया हूँ आरओ यारो को कुछ लेके, तो मेरे पास बहुत कंक्रीट जानकारी है, तब मैं आपके सामने आया हूँ, अन्यथा मैं नहीं आता हूँ। और वही हुआ आज, उसका मैं प्रूफ दिखाने के लिए आया हूँ। 1/7/2023 तक हाई कोर्ट के जनरल ऑफिस कैडर में जो वैकेंसीज हैं और जिनका अध्याचन मिल चुका है और जो अपकमिंग मंथ्स में आने वाले हैं, अपकमिंग मंथ मतलब भी मैं आपको बता दूं कौन सा महीना, अगस्त, अगस्त लास्ट या फिर सितंबर के इनिशियल तक, अगर कुछ ऐसा नहीं हो गया तो एनटीए की वेबसाइट पे आपको इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ यारो की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले कितने पोस्ट आ रहे हैं, मैंने आपको उस वीडियो में अगर आप देखोगे तो 370-380 के बीच में बताया था, और लगभग वही है 20-30 पद का उधर से तक, जब तक मेरी जानकारी थी, उसके बाद से कुछ और अध्याचन आए हुए होंगे। लगभग आपका 411 मतलब कि 20-30 पद वही जो बढ़े हैं, आपका देखा जाए तो रिव्यू ऑफिसर के 311 और एआरओ के आपके कितना है 100। मैंने आपको यह भी बोला था कि इस बार आरओ के पद ज्यादा आ रहे हैं, एआरओ के पद कम आ रहे हैं, वो भी वीडियो आप जाके अच्छे से देख लीजिएगा। 311 पद आपके आरओ के हैं और एआरओ के अगर आप देखो तो यहां पे 100 पद हैं। वो भी जानकारी, अभी तक क्या होता था, एआरओ के ज्यादा होते थे, आरओ के कम होते थे, बट इस बार उल्टा चल रहा है, उसका भी कारण आप समझना। कंप्यूटर असिस्टेंट का भी साथ में 23 है, लगभग ऐसे ही तैयारी, कंप्यूटर थोड़ा ज्यादा पूछता है, इनके भी पद इसमें है, मतलब कि ये तो आपके लिए जरूर था ही। एक साथ इसके साथ ही आपका जो आरओ यारो सब्जेक्ट वाले होते हैं, उर्दू वाले, हिंदी वाले, उनके लिए भी वैकेंसी है। प्राइवेट सेक्रेटरी कैडर में भी है, बाकी सबका तो 01 ज्वाइंट रजिस्ट्रार कम जेपीपीएस, ये सब आप स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिएगा अच्छे से। APS एक आपके लिए इंपॉर्टेंट वैकेंसी बन सकती है, जो भी इसमें करना चाहे, बहुत अच्छा पद होता है, प्राइवेट सेक्रेटरी का होता है, सचिव का पद होता है, ऐसे आप समझो, बहुत बढ़िया ग्रेड पे होता है। अभी UPPSC ने क्या किया है, APS को गेस्टेड ऑफिसर के रैंक में डाल दिया है, और ये भी इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो APS होता है उसकी जो बोल सकते हो रुतबा बहुत अच्छा होता है, और 81 और 87 ग्रेड वन में भी और APS की भी दोनों वैकेंसी आ रही, लगभग 150 वैकेंसी से ज्यादा, और हो सकता है जब तक वैकेंसी है तब तक ये बढ़ के 200-210 भी हो जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसको भी आप नजर में रखिएगा। इसकी भी तैयारी आपकी आरओ एआरओ की तरह ही है, हाँ बस अलग से बात यहां पे है कि शॉर्ट हैंड मांगता है, तो जो बच्चे स्टेनो वाले हैं वो APS के लिए थोड़ा सा खुश हो जाएंगे, इनमें कंपटीशन कम हो जाता है। बाकी बेंच सेक्रेटरी कैडर में अगर आप देखोगे तो बेंच सेक्रेटरी कैडर ग्रेड 1 की 144 वैकेंसी बड़ी आ रही है। बाकी असिस्टेंट रजिस्ट्रार कम बेंच सेक्रेटरी, ये क्या होते हैं, इनमें थोड़ा सा ये जुडिशियल जो वाले होते हैं उनसे रिलेटेड होता है। कंप्यूटर कैडर में अभी तक पद कम है, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड सी ग्रेड बी दोनों के कम है, ग्रेड 1 ग्रेड 2 में अभी कोई वैकेंसी नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा निराशा होगी, ये वैकेंसी अभी नहीं भी आ सकती है, 3 पद 9 पद के लिए अभी वैकेंसी शायद ना आए। तो जो वैकेंसी आपकी आएंगी, 3 पद आने वाले हैं, एक आपका आरओ, एक आपका एआरओ, एक आपका APS, ये 3 पद आपको देखने को मिल सकते हैं। मिसलिनियस कैडर में अगर आप देख लोगे तो आपका 7 और 8 पद, ही मैं बोला था रिव्यू ऑफिसर हिंदी, उर्दू में आपका 0 है, हिंदी का आपका 8 है, टोटल एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी जुडिशियल ऑफिसर वाले में 30 पद यहां के भी बढ़े हैं, मतलब कि वही अगर आप जोड़ लो तो 180-180 पद आपके APS के हैं। तो ओवरऑल लगभग 411-415 के बीच में आपका पद आरओ यारो का है, और 150 से ज्यादा आपका पद लगभग किसमें है, 150 क्या 180-190 बोल के चलो, 200 मोटा मोटा लेके चलो APS का है। इसके लिए आपको तैयारी, और अब ये सोचोगे कि हम अब जब आ जाएगी वैकेंसी तब तैयारी करेंगे, तो भाई ये हाई कोर्ट है, बहुत हाई कट ऑफ जाती है, इसमें टाइपिंग भी चाहिए होती है, फिर आप तैयारी ना करो तो ज्यादा बेहतर है। और आप सीरियस हो कि इस जो आने वाला सीजन, मैं बोलूंगा सीजन इसलिए क्योंकि चुनावी वर्ष है, तो उनके लिए सीजन ही है, इसमें अगर आप बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हो अच्छे से तैयारी कर लो, पारदर्शिता का ठप्पा लगा के योगी जी और पेपर ढंग से करवाने का प्रयास करेंगे, और उसके बाद हो सकता है आपका बहुत अच्छे से तैयारी कर लोगे तो आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। उधर आपका UPPSC आरओ यारो में भी अच्छे खासे पद आ रहे हैं, 350 से ज्यादा पद वहां पे भी आ रहे हैं जो मेरी जानकारी में है, और बढ़ेंगे, इससे कम नहीं होंगे, इसका ये आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा, जब आएगा तब मैं उसे भी आपको दे दूंगा, मैं हमेशा अपनी बातों का साक्ष्य नहीं देता हूं, बट कई बार होता है आप लोगों की वजह से देना पड़ता है। एक बात और थी कि यहां पे ऑनलाइन कराएगा कि ऑफलाइन, तो मैं तब भी बोला था, अभी कुछ क्लियर नहीं है, ऑनलाइन कराएगा कि ऑफलाइन कराएगा,
ज्यादा चांसेस है कि आपका ऑनलाइन ही हो सकता है। अभी मैं 50-50 लेके चलूंगा, तो अभी उस पर दिमाग मत लगाओ कि ऑनलाइन हो रहा है कि ऑफलाइन हो रहा है। मैं उसके बारे में कुछ क्लियर ना तब उस वीडियो में कहा था ना इस वीडियो में कह रहा हूं। आप लोग बस जो आप सुनना चाहते हो आप वही सुनते हो, जो मेरी क्लियर बातें होती है वो नहीं सुनते हो। तो इस बात के लिए निश्चिंत रहो, आरओ यारो का पद आ रहा है, खुश रहो, तैयारी करो, अच्छे से तैयारी करो, लग के करो, हमसे करो या कहीं से भी करो, लेकिन करो। मैं आपको इतना करूंगा, जो बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं एनटीए के एग्जैक्ट पैटर्न पे, एक मैंने वीडियो भी बनाई थी कि एनटीए कैसे पेपर बनाता है, बहुत एनालिसिस वीडियो समझ जाओगे तो आप टीम के एनालिसिस समझ जाओगे। और एनटीए का पेपर आउट वाली जो वीडियो थी इतनी जबरदस्त थी कि आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ एनटीए कैसे पेपर सेट करेगा, एनटीए ही आपका कराएगा और कोई कराएगा भी नहीं, इस बात को भी आप समझ लो। तो आप अभी से तैयारी शुरू कर दो, अगले महीने से आपका हो सकता है फॉर्म भी आ जाए और फॉर्म फिलिंग चालू कर दो, फिर ज्यादा समय नहीं मिलेगा। परीक्षा प्लस ऐप आप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, वहां पे आपके बैच चल रहे हैं, अभी आपका ऑफर में चल रहा है और ये मिनिमम शुल्क 999 का बैच चल रहा है, जीएसटी लगाओगे तो हो सकता है जीएसटी भी जो लगे, बस 999 बेस प्राइस इसका आरओ यारो का चल रहा है। और पीसीएस आरओ यारो का आपका 1499 प्लस जीएसटी लगभग आपका ऐसे ही जाएगा। तो ये आपके दोनों बैच हैं, दोनों बैच से आप जुड़ सकते हो, लेकिन अभी ये आरओ यारो है, इसकी तैयारी तुरंत शुरू कर दो क्योंकि ये आपके सामने बिल्कुल आ चुकी है। बाकी जैसी भी इन्फॉर्मेशन और भी हमारे पास कंक्रीट आएगी मैं आपको तुरंत बताऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, परीक्षा प्लस चैनल जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिएगा और नीचे टेलीग्राम लिंक है उससे जुड़ जाइएगा ताकि बाकी सारे अपडेट मिलते रहे। फिर मिलते हैं, धन्यवाद सभी का।